वेलकम टू टेक्नोविद फ्रेंड्स। यहाँ आपको मिलते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए तैयार किए गए खास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए टेक्निकल ज्ञान। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है टेक्नोविद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त और होस्ट संदीप कुमार शर्मा तकनीक मित्रों के साथ। तो मित्रों, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी ऐप लेकर आया हूँ मैं, और ये ऐप ज़्यादातर स्टूडेंट्स के काम की है। स्टूडेंट और जो शिक्षक सरकारी स्कूलों में अध्ययन करवा रहे हैं उन लोगों के बहुत काम की ऐप है। इस ऐप का नाम है ज्ञान मित्रा, बहुत ही अच्छी ऐप है, आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। दरअसल ये राजस्थान के लिए है वैसे तो, लेकिन अब NCERT का कोर्स सब जगह लागू हुआ है तो सब लोगों के लिए ये जो ऐप है बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है। अब यहाँ पर बात यह है कि एक्सेसिबल ऐप है और दृष्टिहीन लोगों को जो स्माइल 2.0 को थोड़ा सा यूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसका सलूशन इस ऐप को माना जा सकता है। अगर थोड़ी सी वैसे तो स्माइल 2.0 भी अच्छे से यूज़ कर सकते थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी, दृष्टिहीन लोग कह रहे थे, मतलब कि हमारे ब्लाइंड भाई, के ये थोड़ा एक्सेसिबल नहीं है, तो उसी का यहाँ पर सोल्यूशन निकाला गया है थोड़ा सा। अब इसे ज्ञान मित्र ऐप है, इस पर ओपन करेंगे यहाँ पर। देखिए ऊपर इफ ड्रॉर है, वो जैसे सब में होती है नेविगेशन ड्रॉर। अब यहाँ पर होम, शिक्षावाणी एनसीईआरटी पीडीएफ बुक सेक्शन, GK Facts, Glossary, Exams, Sanskrit, ISSK, Yoshu, Share App, Joint, Latest News, लेकिन इस ऑप्शन को देखने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, अब क्योंकि यहाँ पर मेन जो होम स्क्रीन है यहाँ पर भी ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो इसलिए नेविगेशन ड्रॉअर में जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। देखिए यहाँ पर शिक्षावाणी रेडियो, पहला है शिक्षावाणी रेडियो, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जितने भी शिक्षावाणी एक प्रोग्राम है राजस्थान में, जो कि अभी COVID-19 के चलते जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं उनके लिए शिक्षण व्यवस्था कराई गई है, क्योंकि आजकल रेडियोज़ मिलते नहीं हैं कहीं पर, तो मोबाइल के अंदर इस ऐप का इस्तेमाल करके आप जो है रेडियो के ज़रिए पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर 10 से लेकर 10:55 तक प्रोग्राम आते हैं रेडियो पर, जिसमें प्रत्येक दिन अलग अलग क्लासेस के पाठ और मीना की कहानियाँ, इस तरह के प्रोग्राम आते हैं, तो उन्हें आप सुन सकते हैं लाइव। अब यहाँ पर क्योंकि NCERT का कोर्स है, तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान के ही सुन सकते हैं, अपन पूरे भारत के में NCERT का कोर्स लागू है, CBSE बोर्ड का, तो सेम कोर्स है, तो इसलिए आप लोग भी सभी इसको सुन सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, और राजस्थान वाले तो सुन ही सकते हैं। शिक्षा वाणी है, उसके बाद है यहाँ पर रेडियो स्टेशन सारे, एयर जयपुर, अलवर, बीकानेर, चूरू, सब कुछ रेडियो स्टेशन है, लेकिन इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा रेडियो स्टेशन भी दिए मनोरंजन के लिए। पहला है भजन, एक है भजन रेडियो, एयर उर्दू, टीवी, आज तक, FM गोल्ड, BBC हिंदी, FM रेंबो, रेडियो सिटी, रेडियो मिर्ची, विविध भारती, इस तरह के कुछ रेडियो स्टेशन यहाँ पर म्यूजिक के लिए, मनोरंजन के लिए दिए गए। उसके अलावा शिक्षा दर्शन, फिर अगला है शिक्षा दर्शन, ये दरअसल टेलीविजन चैनल है राजस्थान का, जिसमें कि समय समय पर अलग अलग इनके टाइम दिए गए हैं, वो टाइम पर 1:30 बजे या इस हिसाब से उस पर प्रोग्राम, मतलब कि शिक्षा दर्शन के प्रोग्राम आते हैं, जिनमें कि बच्चों को अलग अलग क्लासेस के अलग अलग मतलब कि अध्यायों के विषय में जानकारी दी जाती है। मतलब जैसे आज विज्ञान का पढ़ा दिया 9वीं क्लास का, फिर 10वीं क्लास का हिंदी का पढ़ा दिया, इस तरह से अलग अलग आते हैं, तो आप इसे ट्यून इन करके देख सकते हैं। यहाँ पर राजस्थान का TV स्टेशन है, जो कि जयपुर का है, DD जयपुर, तो उसे यहाँ पर आप प्ले कर सकते हैं। देखिए प्ले परसेंट बटन लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्ले होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये भी लिखा आएगा यहाँ पर, और आप इसे Z5 पर भी प्ले कर सकते हैं। ये TV चैनल यहाँ पर विधिक सेवा की परिभाषा ही बदल गई है। आज अगर किसी का कार्ड, जॉब कार्ड नहीं बन पा रहा है तो वो भी एक विधिक समस्या है, अगर किसी की पेंशन नहीं बन पा रही है तो भी एक विधिक समस्या है, भामाशाह कार्ड नहीं बन पा रहा है तो भी एक विधिक समस्या है, तो इस तरह की छोटी से छोटी समस्या TV यहाँ पर इसमें आप चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही चैनल है, शिक्षा दर्शन इसी पर आता है। इसके बाद अलावा इसके PDF books. ये PDF books है यहाँ पर कुछ, और इधर NCERT notes है, smile 3.0 है। यहाँ पर ग्रिड बनी हुई है, तो लेफ्ट जैसे शिक्षावाणी रेडियो, यहाँ पर शिक्षावाणी लेफ्ट हैंड की तरफ, तो राइट की तरफ स्माइल 3.0। इसको खोलते हैं, Child Mitra, ये क्या है,
यहाँ पर एक स्माइल 3.0 का पोर्टल दिया गया है। राजस्थान के सभी शिक्षक गण जानते होंगे कि ये इस पोर्टल के ज़रिए हम लोग बच्चों को जो है कंटेंट भेजा करते थे और इस पर हमें संबंधित अभिभावकों को कॉल करना पड़ता था और कॉल करके हम बताते थे बच्चों के विषय में या उनको स्कूल आने के लिए प्रेरित करते थे और हम ये पता करते थे कि भाई कितनों ने शिक्षावाणी प्रोग्राम सुना या कितनों ने शिक्षा दर्शन प्रोग्राम देखा। तो स्माइल 3.0 भी इसी का ही एक अपडेटेड रूप है। इसके अंदर पोर्टफोलियो तो तैयार करना ही है लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें जो है एक्सेसिबल है तो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर स्माइल 2 लोगो से आज तक आप जिस दिन की भी स्माइल 3.0 सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं वह दिनांक इस तरीके से लिख कर रिप्लाई करें। अब दिनांक किस तरह से लिखनी है इसमें बताया है। 21 जून 2021 से आज तक नीचे दिए गए WhatsApp के आइकॉन पर क्लिक कर हमें मैसेज भेजें और हाथों हाथ समस्त सामग्री का मैसेज प्राप्त करें। नीचे लिखे WhatsApp मैसेज पर मैसेज भेजें और आप हाथों हाथ सामग्री प्राप्त करें। अब यहाँ नीचे मैसेज अस करेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक WhatsApp नंबर खुलेगा, चैट, ये चैट खुल जाता है, ये देखिए। और यहाँ पर आप इनको लिख लीजिए कि मुझे ये चीज़ इस चीज़ की जानकारी चाहिए। यहाँ पर देखिए पूरी सब जानकारी मिल जाएगी आपको। यदि आपको की अध्ययन सामग्री व्हाट्सएप पर प्राप्त नहीं हो रही है तो शैक्षिक सत्र 2021-22 की समस्त सामग्री आप हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। 21 जून 2021 से आज तक आप जिस दिन की भी स्माइल 3.0 सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं वह दिनांक इस तरीके से लिख कर रिप्लाई करें। सबसे पहले आप तारीख लिखें, फिर स्पेस दें, उसके बाद जो भी महीना है उस महीने के अंग्रेजी के शुरू के 3 कैरेक्टर लिखें, जैसे इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक जरूर शेयर करें ताकि छात्र इसका अधिकतम फायदा ले सके। ठीक है, तो ये मैसेज है व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप चैट खुलती है, इस पर आप उन्हें चैट करके और अपना स्माइल 2 का स्माइल 3 का प्रोग्राम मांग सकते हैं। तो आपको बहुत अध्ययन की सामग्री अच्छी सी मिल जाती है और इसमें कुछ विशेष नहीं है, बस इतना ही ऑप्शन इसमें यहाँ पर है। इसको इसके अलावा NCERT नोट्स इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, हम 11th के नोट खोलेंगे। यहाँ पर हम व्यवसाय अध्ययन कक्षा, व्यवसाय अध्ययन अर्थशास्त्र नोट्स, अर्थशास्त्र हिंदी ऐच्छिक कक्षा 11 पर क्लिक करते हैं हम। यहाँ पर देखिए हिंदी ऐच्छिक कक्षा 11 के काफी सारे ऑप्शन खुल चुके हैं, देखिए देख सकते हैं। जनसंचार माध्यम पुनरावृत्ति कार्यालय पत्र निबंध लेखन, निबंध लेखन इस पे क्लिक करेंगे, देखिए कैसे होता है निबंध लेखन, दिशा लेखन, दिशा पुनरावृत्ति नोट्स। अब यहाँ पर क्या लिखा पढ़ना है हमें देखिएगा। छात्र निबंध लेखन की गंभीरता को समझें क्योंकि अपने विचारों को व्यक्त करने का यह सशक्त माध्यम है। निबंध लिखने का व्यक्तित्व निबंध लेखन में झलकता है। एक सारगर्भित निबंध लिखने के लिए निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। बहुत ही अच्छे से पढ़ रहा है, कहीं भी कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमें पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है या कुछ। बहुत ही अच्छे से आप अपने स्टूडेंट्स को इतना अच्छा से पढ़ा सकते हैं कि कोई भी आपको समस्या मेरे हिसाब से नहीं आएगी। नीचे देखिए अपने विचारों को भूमिका विषय वस्तु एवं संस्था के अंतर्गत बांटें। ठीक है, स्वाइप कीजिए। भूमिका आकर्षक तथा रोचक होनी चाहिए। अगर विषय से संबंधित कोई काव्य पंक्ति सूक्तियां घटना याद हो तो निबंध उसी से शुरू करें, तत्पश्चात विषय का अर्थ स्पष्ट करें। इसी प्रकार से आप और भी आगे पढ़ सकते हैं और बहुत सारी चीजें इसमें। अनुच्छेद इस प्रकार लिखें कि विचारों की अनुच्छेद किस प्रकार, वो पूरी जानकारी इसके अंदर दी है इन्होंने। इसके अलावा व्यावहारिक लेखन प्रतिवेदन, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न, अंतरा कबीर पुनरावृत्ति नोट इस पर क्लिक करेंगे, देखते क्या खुलता है। अंतरा कबीर पुनरावृत्ति नोट्स। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। नीरू और नीमा नाम CBSE कक्षा अंतरा काव्य खंड, देखिए यहाँ पर CBSE कक्षा 11 हिंदी ऐच्छिक, CBSE कक्षा 11 हिंदी लिखा है। अंतरा काव्य खंड पाठ एक कबीर पुनरावृत्ति नोट्स। अंतरा काव्य परिचय, परिचय दे रखा है। रचनाएं बीजक, साखी, बीजक, साखी, रमणी, कबीर की कुछ रचनाएं गुरुवार ग्रंथ साहब में संकलित है। ये गुरु ग्रंथ है जो गुरुवार बोल रहा है इसको, तो इस तरह से आप इसे नोट्स अपने पढ़ा सकते हैं। अंग्रेजी के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे।
computer science notes, informatics practice, English core notes class 11. English core notes भी यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, इस पर क्लिक करेंगे ये सारे नोट्स आपको यहाँ पर देखिए reading comprehension, इस पर क्लिक करेंगे reading comprehension मतलब अभ्यासात्मक पाठ देखते हैं. Reading unseen passages for comprehension and note making. This section will have two unseen passages followed by a variety of questions. The total length of the two passages shall be around 1100. कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं करना चाहें तो. बस पे क्या करना होगा देखता हूँ, कॉपी करने का कोई जुगाड़ है क्या? हाँ बिल्कुल आप कॉपी कर सकते हैं मित्रों. ये देखिए यहाँ पर सेलेक्ट ऑल पे क्लिक किया मैंने और अब इसको मैं चाहूँ तो सेलेक्ट ऑल शेयर कॉपी कॉपी कर लेता हूँ. ठीक है अब इसको मैं कॉपी करके मुझे मैं चाहता हूँ कि इसमें नहीं मैं नोट में कहीं कॉपी कर लूँ तो हम इसको हमारे पास एक ओआई नोटपैड पे कॉपी कर लेते हैं कहीं भी. इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे. ये आपका नोट्स यहाँ पर पेस्ट हो गया. ये देखिए सारा पेस्ट हो गया. Reading comprehension, practice papers 5 CBSE class 11 English core section. A reading comprehension, reading unseen passages for comprehension. इसको आप ऐसे पेस्ट करके अपने सेव करके रख सकते हैं ताकि बच्चों को पढ़ाने में आपको आसानी हो. आप इस चीज को समझ गए होंगे. इसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत अच्छी चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. ये सभी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत काम की चीज़ है. ऐसा नहीं है कि शिक्षक स्टूडेंट इसका उपयोग करें और बहुत कुछ सीख सकते हैं इससे. इसके अलावा ये नोट्स हैं सारे, मैं नोट्स दिखा दिए. अलग अलग क्लासेस के नोट्स यहाँ मिल जाएंगे. अब जैसे एक सेकंड एक चीज़ और दिखाता हूँ. चलिए जो एनसीईआरटी नोट क्लास वन नोट्स खोलते हैं देखते हैं इस पर क्या मिलता है. अपडेटेड सून वन क्लास का भी नोट अपडेट हुआ नहीं है, इस पर अपडेट कर देंगे वो. इस पर भी अपडेट नहीं हुआ. क्लास एट नोट खोलते हैं, यहाँ पर कुछ अपडेट हुए हैं. सोशल साइंस नोट क्लास 8, इस पर क्लिक करेंगे. यहाँ पर कुछ नहीं है अभी तक. है लॉ एंड सोशल जस्टिस, लॉ एंड पब्लिक फैसिलिटीज, पब्लिक फैसिलिटी, ये सब नोट्स हैं यहाँ पर. इस पर क्लिक करेंगे. पब्लिक फैसिलिटीज रिवीजन नोट्स. Public facilities are the facilities provided to the people by the government that they are important to sustain and lead a comfortable life. ये अंग्रेजी में है इसको और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, लेकिन हिंदी भी आपको इसको मिल ही जाएंगे समय पे. Giant Mitra, updated soon. Maths notes class, social science notes, English notes. हिंदी नोट्स कक्षा 8. हिंदी नोट्स देख लेते हैं कुछ है क्या इसमें, कुछ काम की चीज मिल जाए तो. हाँ हिंदी नोट्स भी इसमें है शायद मुझे लगता है. देखिए वसंत ध्वनि प्रश्न उत्तर, वसंत ध्वनि प्रश्न उत्तर, वसंत ध्वनि, वसंत ध्वनि, वसंत ध्वनि नोट, वसंत लाख की चूड़ियां, वसंत लाख की चूड़ियां, सब देखिए आपके इस कोर्स में होंगे सारे पार्ट. वसंत लाख की चूड़ियां नोट्स, वसंत बस की यात्रा प्रश्न उत्तर, वसंत बस की यात्रा प्रश्न उत्तर खोल के देखते हैं. खोलते हैं वसंत बस की यात्रा. देखिए मैंने खोला है इसको, अब देखिए यहाँ पढ़ के सुनाएगा आपको ये. कारण बताएं. एक, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा. लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? उत्तर, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जा गई कि बेहतर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था. अगर आपके पास ब्रेल बुक नहीं है एक बार तो आप बच्चों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा सकते हैं. नोट्स कक्षा 8 आपको कहीं भी कोई समस्या आने वाली नहीं है. कॉपी करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है, इसको बैक कर लेते हैं अपन. इसके अलावा ये सब नोट्स हैं, छोड़िए अब इनको, देख लीजिए नोट हमने. पीडीएफ बुक्स, इस पर क्लिक करेंगे. यहाँ पर आपको वन बुक्स भी मिल जाएगी. जैसे हम कोई किताब ढूंढ लेते हैं, चलिए क्लास 9 बुक खोलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी बुक हमें मिल जाती है यहाँ पर. यहाँ पर इंग्लिश भी है, हिंदी क्षितिज कक्षा 9 पर खोलते हैं अपन. अब यहाँ पर ये हिंदी क्षितिज कक्षा 9 खुल गई है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है मित्रों, चैप्टर 02 खोलते हैं हम यहाँ पर. ड्राइव में खुल गया चैप्टर 02. अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि ये कृतिदेव फॉन्ट में लिखी हुई, इससे आपको ये पढ़ के नहीं सुनाएगा, लेकिन इसका जुगाड़ मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पर क्लिक करेंगे मोर ऑप्शन पे, ओपन विद पे क्लिक करेंगे, या आपके पास इंस्टा रीडर किसी पे भी आप ओपन कर सकते हैं. मैं इंस्टा रीडर पे ओपन कराता हूँ क्योंकि वो फ्री है. इस पे क्लिक करेंगे. Creating audio book, please wait. Processing page 3. 8 more pages remaining. हो रहा है ओपन, क्योंकि आपको जानकारी पूरी देना जरूरी है. ये पीडीएफ बुक को आप इसमें खोल लेंगे तो वो पढ़ लेंगे. Processing page 6. 5 more pages remaining. Processing page 6. कुछ पेज जितने भी है वो सारे प्रोसेस कर रहा है ये, फिर ये पढ़ के सुना देगा आपको ये बुक. Processing page 9. 2 more pages remaining.
बहुत ही अच्छी ऐप, आप लोगों को कोई भी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं। प्रोसेसिंग पेज 11, जीरो मोर पेजेस रिमेनिंग। खुल गया, खुलने वाला ही है, बस अब खुल जाएगा। अभी देखिए घंटी बजेगी एक और ये पेज खुल जाएगा। पेज 1, 295,502, राहुल सांकृत्यान। राहुल सांकृत्यान का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव बदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांड्य था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यान हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापौंडित कहा जाता था। सुन सकते हो। अभी नो करेंगे, बैक करेंगे। इस तरह से आप किसी भी बुक को डाउनलोड करके और पढ़ सकेंगे। अब जैसे हमने ये देखा, यहाँ पर जो भी चैप्टर है सारे चैप्टर आप खोल कर देख सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। तो पीडीएफ बुक तो ये चीज़ है, किसी भी क्लास की पीडीएफ बुक को आप पढ़ सकते हैं, पहली से लेकर और 10, 12 बुक्स, सारी मतलब सारी बुक्स आपको मिल जाएगी। ये देखिए 12 अगर खोलते हैं तो सारी आपको किताबें देखिए सब मिल जाएगी, यहाँ खुल जाएगी। अभी देखिए थोड़ा सा वेट करें तो यहाँ पर सारी किताबें खुल जाएंगी, फिर आपको जो भी डाउनलोड करना हो वो यहाँ पर कर सकेंगे। आगे चलते हैं, इसके अलावा और क्या है इसमें देख लेते हैं। ये है वन लाइनर जीके, इसको खोल के देखते हैं क्या होता है, इसमें क्या कुछ अभी इन्होंने दिया है या नहीं दिया है। शायद मेरे हिसाब से इसमें है कुछ। वन लाइनर बुक टू, यहाँ पर खूब सारी बुक्स दी गई हैं। जैसे वन लाइनर बुक वन खोल लेते हैं अपन एक बार नॉलेज के लिए। ये मेरे बुक खोल लिया है यहाँ पर। वन लाइनर सेट माइनस थ्री, अलग अलग सेट दिए गए हैं, जैसे एक सेट में खोल लेता हूँ और फिर हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। भारतीय रेल का व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ है? ये देखिए प्रश्न उत्तर दे रखे हैं। 1853 बेंगलोर में। ये देखिए उत्तर भी इसका दे रखा है, भारतीय रेलवे का जो पूछा इसने, वापस सुनिए। भारतीय रेल का व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ है? व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ है? तो बेंगलुरु में इसने बताया। भारत में रेल का आरंभ किस समय हुआ? 1853 रेलवे का 1853 में डलहौजी लेकर आया था ना, तो वो है। तो यहाँ पर पूरी जानकारियाँ यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की? मेट्रो सेवा किस नगर में आरंभ? कोलकाता। कोलकाता में आरंभ की गई, बिल्कुल ठीक है। भारतीय रेल का व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ है? सब प्रश्न। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? ये देखिए मुंबई से था, वर्तमान मुंबई से थाने तक। मुंबई से थाने तक, ये उस समय डलहौजी के समय में रेल चली थी मुंबई से थाने तक। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, तो हमारे देश ने जो, भारत देश ने जो संघर्ष किया अंग्रेजों से, तो खैर रेल उस समय चली थी 1853 में, तो मुंबई से थाने पहली रेल चली थी। तो इसके विषय आप देखिएगा, आगे चलते हैं। इसमें काफ़ी सारे प्रश्न उत्तर आपको मिल जाएंगे, अलग अलग सेट है, आप इसको देखिएगा। अब ये बता दिया मैंने आपको, पीडीएफ बुक क्विज सेक्शन भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसको खोल के देखते हैं क्या होता है क्विज सेक्शन में। यहाँ क्विज सेक्शन खुल गया है, देखिए वर्ल्ड जीके क्विज सेट। गांधी को जानो ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का परिणाम जारी। गांधी, यहाँ पर खूब सारे क्विज है, तो गांधी को जानो ऑनलाइन प्रतियोगिता का परिणाम जारी हो गया है। संविधान दिवस क्विज, क्विज इंडेक्स, वर्ल्ड जीके, तो हम इसको इस पर क्लिक करते हैं, क्या होता है देखते हैं, इस पर क्या कुछ है, समझ आने वाली चीज़ है या नहीं है, देखते हैं। यहाँ पर खूब सारे कुछ चीज़ें दी गई फोर खोल देते हैं ताकि आपको समझ आए चीज़ें। यहाँ पर देखिए माउंट सेनिस सुरंग, नॉर्वे सुरंग, अलग अलग प्रश्न दिए गए हैं। सबसे लंबी सुरंग, विश्व की सबसे लंबी सुरंग बता रही है। सीकन सुरंग, नॉर्वे सुरंग, तो अब इसको बर्लिन की दीवार, अलग अलग दिया गया। अन्य इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। नॉर्वे सुरंग, नॉर्वे सुरंग पे क्लिक आप क्लिक भी कर सकते हैं, आपको उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा। और अन्य पे क्लिक कर दो, आप क्लिक करो वहाँ पर उत्तर अपने आप इसका आपको ये देंगे शायद। इसके अलावा कई प्रश्न दिए गए हैं, इसके उत्तर आपको शो आंसर, यहाँ पर देखिए शो आंसर पे क्लिक कीजिए, देखते क्या होता है।
थ्री सिस्टर्स फॉल्स, ये देखिए अगेला फॉल्स, विश्व का उच्चतम झरना, मैं देखता हूँ कैसे आंसर दिखेंगे आपको, वेनेजुएला, सी यूंगेला फॉल्स, इस पे क्लिक कर देता हूँ मैं और आंसर अब देखते हैं, हाइड आंसर, लेकिन आंसर आया कहाँ, ओके यहाँ पर ये आंसर इसके अंदर ही आ जाएगा, वो आपको बाद में पता लगेगा, तो ये देखिएगा इसको थोड़ा सा अच्छे से, मैं जल्दियों में बता नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन है ये बहुत एक्सेसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बोल रहा है तो इसमें एक्सेसिबल आप कर लेंगे। फिर है जीके फैक्ट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ जीके के फैक्ट्स दिए हैं, भारत सामान्य ज्ञान, भारत सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान, विश्व सामान्य ज्ञान, संविधान, राष्ट्र व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, खेल कूद, सामान्य भूगोल, सामान्य अंतरराष्ट्रीय संघ, महत्वपूर्ण दिवस, सब कुछ दे रखा, कुछ भी पढ़ सकते हैं, सामान्य ज्ञान, जैसे अपन विश्व सामान्य ज्ञान खोल लेते हैं, इस पे खुल रहा है ये, आपको पता लगेगा इसमें भी बहुत अच्छे आपको मिलेंगे, देखिए यहाँ पर खुल गया ये, विश्व दर्शन, विश्व दर्शन, विश्व में सबसे बड़ा छोटा लंबा, विश्व सबसे बड़ा छोटा लंबा, विदेशी पुस्तकें एवं उनके लेखक, उनके लेखक, इस पे क्लिक करते हैं क्या होता है देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर खुल गई डिटेल, हैरी पॉटर नामक पुस्तक किसने लिखी, जेके रॉलिंग, ये देखिए आंसर भी दे रखा है, द कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखी, जेके रॉलिंग, जेके रॉलिंग, द कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखी, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, क्यू अंडर स्कोर 4, क्यू अंडर 4, माय लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी, तो क्यू अंडर स्कोर, क्यू अंडर स्कोर 5, एक सेकंड, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला, ठीक है, क्यू अंडर स्कोर 5, डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक किसने लिखी, दांते, आप बस लेफ्ट राइट स्वाइप करते रहिए, अपने आप ही प्रश्न उत्तर पढ़ के सुनाएगा, चाहे तो आप इस पूरे पेज को कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी करने का तरीका तो मैंने आपको समझा ही दिया, तो आप वैसे कॉपी करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे या फिर आप टॉकबैक की सहायता से भी इसे कॉपी कर पाएंगे, लेकिन लॉन्ग प्रेस वाला ज़्यादा बेटर लगेगा मुझे इसमें, चलिए विश्व एक नज़र में, बहुत सारे जीके का इसमें है, अलग अलग जीके आप देख सकते हैं, ये ग्लोसरी है, ग्लोसरी का क्या अर्थ है देख लेते हैं, देखिए संस्कृत शब्दकोश, संस्कृत शब्दकोश, संस्कृत सरल वाक्य कोश, संस्कृत सरल वाक्य कोश, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान शब्दावली, विज्ञान शब्दावली, संस्कृत शब्द कोश, संस्कृत शब्द कोश खोलेंगे, क्या चीज इसमें देख लेते हैं, आप बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं मित्रों इसमें, और कहीं कोई आपको समस्या नहीं आएगी, और आप आराम से कोई भी संस्कृत या अंग्रेजी शब्द सर्च करें, आप यहाँ पर कोई भी अंग्रेजी शब्द सर्च कर सकते हैं, देखिए जैसे मैं सर्च करता हूँ कुछ भी, ओके सर्च करेंगे कीबोर्ड हिडन, क्या उत्तर आता है, मीनिंग ऑफ संस्कृत वर्ड, संस्कृत शब्द पितृव्यय, पितृव्यय, अंकल फादर्स ब्रदर, समरूप शब्द बाल व्याकरण टीका अकाप्य शब्द प्रथम एक, बैक फॉर सर्च अनदर, ये देखिए कितना अच्छी बात है, पिता के ब्रदर, तो देखो बहुत अच्छे से इसने बता दिया, आप ऐसे ही सर्च कर सकते हैं, संस्कृत में कोई शब्द सर्च करें वो हिंदी बता देगा आपको, अंग्रेजी बता देगा, तो इस तरह से आप एक कोशिश करें, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इससे, तो एक शिक्षक होने के नाते मैं ये कहूँगा कि आप इस ऐप को ज़रूर यूज़ करें, आप इस ऐप से ज्ञानवर्धन करें, ऐसा नहीं है कि ये राजस्थान के लिए, ये सारे भारत देश के लिए इस ऐप को यूज़ किया जा सकता है, और सभी लोग पढ़ के बहुत कुछ इसे सीख सकते हैं, दृष्टिहीन लोगों को, जो मतलब हम लोगों को समस्याएं थी, संस्कृत शब्दकोश, कई चीज़ें हमें मिल नहीं पाती थी ब्रेल में, या फिर एक्सेसिबिलिटी के कारण हमें परेशानी होती थी, और आजकल तो एक मज़े की बात और बताऊं मित्रों, आप बच्चों की कॉपियां भी जांच सकते हैं एनविजनआई का प्रयोग करके, और कॉपी में बच्चे ने हस्तलिखित पाठ भी आप पढ़ सकते हैं, तो मैंने उसका डेमो दिया हुआ है एक बार, तो आप देख लीजिएगा उसको, कुछ हद तक आप बच्चों की कॉपियां जांच सकते हैं, तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसके अलावा और इसमें क्या है देख लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम जीके भी है, इसमें इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैथ्स एक फॉर्मूला, कंप्यूटर सामान्य गणित फॉर्मूला, जनरल इंग्लिश वोकैबुलरी, ये सब कुछ है इसमें, गेम्स भी है, संस्कृत भी है, ये संस्कृत क्या है देख लेते हैं, संस्कृत शब्द रूप, अच्छा संस्कृत शब्द रूप है ये, संस्कृत शब्द कोश, संस्कृत शब्द कोश, संस्कृत सरल वाक्य कोश, सरल वाक्य कोश, शब्द रूप देखते हैं क्या है, क्या क्या है इसमें,
संस्कृत, संस्कृत पढ़ना, क्योंकि संस्कृत मेरा बड़ा प्रिय विषय है। देखते हैं आप पुलिंग, आप पुल्लिंग, आकाश, आकाश, आप स्त्रीलिंग, आप स्त्रीलिंग, अज पुल्लिंग सर, तेरस, अज नपुंसक लिंग, तेरस, अज स्त्री, कोई भी, आल, बाल, बाल खोलते हैं क्या होता है, देखते हैं। इस पे मैंने क्लिक किया है, देखते हैं, ये खुल गया है, अब पढ़ के देखेंगे। बालम, बहुत बढ़िया। प्रथमा, देखिए प्रथमा द्वितीय तृतीय एकदम टेबल वाइज बनाई है, स्वाइप करेंगे। बाला, बाला तृतीया, बहुत बढ़िया। प्रथमा, बाला है, बालो, बाला, बाल है, बालो, बाला, द्वितीय, 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 बालम, बालम, बालो, बालो, बाला, बाला, आगे तृतीय, तृतीय, बालेन, बालाभ्याम, बाला है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से पढ़ता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों को समझाने में, तो आप इस ऐप का इस्तेमाल करें, बहुत ही शानदार ऐप है। तो आशा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैंने इसकी पूरी जानकारी आपको दी है, और इस विषय में और कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर टेलीग्राम भी यूज ज्वाइन कर सकते हैं, गेम्स भी खेल सकते हैं, और शेयर ऐप, अदर ऐप्स, तो इस प्रकार से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर ऐप्स में भी काफ़ी सारी ऐप आपको यहाँ पर मिल जाती है, ये प्ले स्टोर खुल जाता है, देखिए, नर्सिंग केयर प्लान, कम्युनिटी हेल्थ, ज्ञान मित्रा, मेडिकल, ये बहुत सारी अच्छी पढ़ाई की ऐप आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इस ऐप को मैं शेयर कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, नहीं तो ज्ञान मित्रा, GYANMITRA, ज्ञान मित्रा को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। आशा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर कोई कमी रही हो तो बिल्कुल मुझे आप ज़रूर बताइएगा, ताकि हम कोशिश करेंगे फिर आपको समझाने की। तो आज के लिए अब मुझे इजाज़त दें, इसके अलावा आपसे फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। बहुत बढ़िया, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी, अब आपको कैसी लगी ये आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।